तो है गाइस, जैसे कि मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपको फैजान और आप देख रहे हैं बेस्ट टीवी। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वीन ऑफ बॉलीवुड। जी दोस्तों, टाइटल ऑफ थंबनेल देख के पता चल गया होगा किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन। जी दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में इनकी लाखों वीडियोज अपलोड हैं, लेकिन आज हम जानेंगे इनकी लाइफ स्टोरी कुछ नज़दीक से और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर आप इनके फैन हैं तो इस वीडियो को ज़रूर थम्स अप करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐश्वर्या राय की पर्सनल इन्फो के बारे में। तो यह कहानी शुरू होती है 1 नवंबर 1973 को, जब ऐश्वर्या राय का जन्म इंडिया के शहर मंगलोर में हुआ था। अगर बात की जाए इनकी एज की, तो इनकी एज 2020 में 47 ईयर हो गई है। जी दोस्तों, इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम आर्यावदिया मंदिर स्कूल से हासिल की है। जी दोस्तों, इनको बचपन से ही पढ़ने का बेहद शौक था और साथ साथ एक्टिंग का भी। इनके पेरेंट्स का कहना है, जब ये स्कूल से वापस आती थी तो एक्टिंग की क्लासेस भी लिया करती थी। पॉपुलैरिटी के साथ साथ ये लाखों करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इनकी इनकम के बारे में, नेटवर्थ के बारे में, आप देख के हैरान रह जाएंगे। कहते हैं अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो हर मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। यही वजह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन आज लाखों दिलों पर राज कर रही हैं और कामयाबी की बुलंदियों को छू रही हैं। जी दोस्तों, अगर बात कर ली जाए इनके फैमिली के बारे में, तो इनके हस्बैंड का नाम अभिषेक बच्चन है। इनकी शादी 2007 को हुई थी, 20 अप्रैल 2007 को। मैं आपको बताता चलूँ, इनका बेटा कोई नहीं है, इनकी एक बेटी है जिसका नाम आराध्या है, जो कि 2011 में पैदा हुई थी। जैसे कि आप सबको पता है, जो कोई काम स्टार्ट किया जाए शुरुआत में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह इनको भी शुरुआत में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इनके शौक के सामने कोई मुश्किलात टाल ना सकी। और यही वजह है कि ये लाखों करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं। अगर बात कर ली जाए ऐश्वर्या राय के करियर के बारे में, तो इन्होंने अपना करियर 1997 में स्टार्ट किया था। जी दोस्तों, इनकी पहली फिल्म तमिल में आई थी जिसका नाम एरोवेयर था। दूसरी फिल्म की बात की जाए तो वो भी इनकी 1997 में रिलीज हुई थी, बॉलीवुड फिल्म जिसका नाम और प्यार हो गया है। जी दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, मुश्किलात के बाद आसानियाँ आती हैं। अगर बात कर ली जाए ऐश्वर्या राय के अचीवमेंट के बारे में, तो जी दोस्तों, इनको और प्यार हो गया के लिए एक अवार्ड भी मिल चुका है। अगर बात कर ली जाए ऐश्वर्या राय के मनी फैक्टर के बारे में, तो जी दोस्तों, ये पर फिल्म तकरीबन 9 से 10 करोड़ लेती हैं। इनकी 2019 की नेटवर्थ लगाई गई है एक रिपोर्ट के मुताबिक $35 मिलियन लगाई गई है। जैसा कि आप सबको पता है, एक्टर हो या एक्ट्रेस, दोनों के लिए फिजिकल स्टेट कितना मायने रखती है। जी दोस्तों, अगर बात की जाए इनकी बॉडी मेजरमेंट के बारे में, तो चेस्ट इनका 30 इंच है, वेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट इनका 28 इंच है, बिच इनका 30 इंच है। उसके बाद अगर बात की जाए इनकी हाइट की, तो हाइट इनकी 5.3 फीट है। वेट की बात की जाए तो वेट इनका सिर्फ और सिर्फ 65 kg है। पर्सनल इन्फो के बाद अब हम देख लेते हैं फैमिली जोन में इनकी कुछ पर्सनल इमेजेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इसको जरूर थम्स अप करें। तो चलिए देखते हैं इनकी कुछ पर्सनल इमेजेस। लाइफ स्टोरी के बाद अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो जी दोस्तों, स्मोकिंग करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, ड्रिंक्स करना भी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। जी दोस्तों, फेवरेट थिंग्स की बात की जाए तो फेवरेट फूड इनका बिरयानी है। फेवरेट एक्टर की बात की जाए तो बॉलीवुड में अनिल कपूर, अक्षय कुमार और शाहरुख खान है। हॉलीवुड के इनके फेवरेट एक्टर हैं जॉनी दीप और क्रिश्चियन बेली हैं। फेवरेट एक्ट्रेस की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्हें वहीदा रहमान, मीना कुमारी और प्रियंका चोपड़ा हैं। फेवरेट फिल्म की बात की जाए तो बॉलीवुड में मिस्टर इंडिया ने बेहद पसंद है, हॉलीवुड की टाइटैनिक ने बेहद पसंद है। फेवरेट डायरेक्टर इनके इम्तियाज अली और राज कपूर हैं। जी दोस्तों, अगर बात की जाए फेवरेट म्यूजिशियन की, तो A.R. रहमान है। फेवरेट स्पोर्ट इनका बास्केटबॉल और स्क्वैश है। फेवरेट कलर की बात की जाए तो इनकी फेवरेट कलर वाइट है।
जहाँ दोस्तों फेवरेट परफ्यूम इन कार मानिक है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में, तो ऑडी और BMW इनकी फेवरेट कार्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं किसी भी सेलिब्रिटीज की लाइफ स्टोरी बनाई जाए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, मैं फुल कोशिश करूंगा, उस पर रिप्लाई भी करूं और उस पर वीडियो भी बनाऊं। अब लास्ट में एक आपको काम की बात बताता चलूं, अपने बड़ों की इज्जत करें, अपने छोटों से प्यार करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह।